जिस तरह से जितनी मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब सड़कों पे भी, उनके साइड पे भी जो लोग चल रहे हैं वो भी सारा कुछ देखा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि मैं अब कहीं अकेले बाहर भी जा सकती हूँ। हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए कुछ काम करें और इतना इनको तंग ना करें। एज अ सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए। हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते थे, लेकिन अब आप कंपैरेटिवली सेफ फील करते हो कि आप अपने जो रीसेंट रिलेटिव्स हैं आपने उनको नंबर दिया हुआ होता है। हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीइंग एम्बेसडर्स ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सेटअप वी हैव जस्ट सीन, कि इसको हम आगे डिसेमिनेट करें और आगे पहुंचाएं, एंड वी शुड नो दिस थिंग कि अब हमारे पास एक ऐसा सेटअप है जो कि हमारे साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSEA TV के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सा फयाज। आज GC यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात को विजिट करवाया गया पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का और इसके बारे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के बाद उनके क्या ख्यालात हैं, क्या उनके तासरात हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीशा। अच्छा मीशा, आप सेफ सिटी विज़िट करने से पहले और विज़िट करने के बाद परसेप्शन में क्या चेंजेस आए? सेफ सिटी विज़िट करने से पहले मेरा परसेप्शन ये था, क्योंकि मैं एक दूसरी सिटी से यहाँ पर GCU में पढ़ रही हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, घर वाले भी परेशान रहते हैं कि कहाँ जा रही हूँ, किस टाइम आना होता है, और मैं तो सड़क पर चलते हुए खुद को बहुत ज़्यादा गैर, मुझे मैं मेरी नज़रें पीछे भी होती हैं आगे भी होती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आने से पहले मैं बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज महसूस करती थी कि लाहौर बिल्कुल ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आप कहीं अकेले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा शहर है। और जिस तरह से जितनी मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब सड़कों पर भी, उनके साइड पर भी जो लोग चल रहे हैं वो भी सारा कुछ देखा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि मैं अब कहीं अकेले बाहर भी जा सकती हूँ, अच्छे हाथों में। इसका मतलब ये है कि आप सिक्योर महसूस करती हैं? मैं सिक्योर महसूस करती हूं। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम शाज़ीब अवान। अच्छा शाज़ीब, सेफ सिटी विजिट करने के बाद आपको डिफरेंट यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई, सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट कौन सा लगा आपको? आई गेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट यूनिट जो था वो सबसे डिफरेंट भी, और उसमें लाइक आई वाज अमेज्ड के किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही है। लाइक हमें आइडिया नहीं था पहले कि इस कदर जो है वो कैमराज फिट हैं, और उनका लाइक रिजल्ट वगैरह भी बहुत अच्छा था, तो दैट वाज द मोस्ट इंप्रेसिव। यहाँ पे एक और स्टूडेंट मौजूद हैं और बड़े वसूख के साथ देख रही हैं, आइए जानते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बतूल फातिमा। बतूल फातिमा, आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके यहाँ पे आई थी वो आपको वाव फैक्टर मिला या नहीं? जी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला, बहुत अच्छा। इसका मतलब है काफ़ी खुश हैं आप? जी बहुत खुश हूँ। इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सा लगा? इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट मुझे ऑपरेशनलाइजेशन जो लगा, जहाँ पर सब लोग IT ऑफिसर्स बैठे काम कर रहे हैं और हमारी कॉल्स के लिए वेट कर रहे हैं और उनका आगे प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। अच्छा कॉल्स के हवाले में आपने बात की, तो कॉल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको ब्रीफिंग भी दी गई कि हमें फेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आती है, प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, रेशो बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे वो सोचकर वो सुनकर बहुत बुरा लगा कि अगर ये लोग इतना काम कर रहे हैं, और हमें भी, हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए कुछ काम करें, और इतना इनको तंग ना करें कि 90% फेक कॉल्स इनको होती हैं रोज़ की, तो हमें थोड़ा कम करना चाहिए और पब्लिक को थोड़ा अवेयर होना चाहिए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आई इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं और ये क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कुलसुम राजा। कुलसुम, यहाँ पे जब आप आ रहे थे, आने से पहले भी एक परसेप्शन होता है, जब आपको बताया गया कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का आपको दौरा करवाया जा रहा है और आपको ब्रीफिंग भी दी जाएगी, ब्रीफिंग देने से पहले क्या आपके परसेप्शन थे और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को विज़िट करने के बाद क्या चेंजेस आए? यहाँ पे आके हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, ये तो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कभी कि इस तरीके से ऐसे चीज़ों को लेके चलाया जाता है। दूसरी बात ये कि हमें एज अ सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए
ज़्यादा तो हम माइंड सेट नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा कल्चर पैटर्न कुछ उस तरीके से है, लेकिन हमें किसी हद तक सोचना ज़रूर चाहिए और उसको अमल करवाना चाहिए, क्योंकि सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता है, जो सही बात है। ठीक है, हम सब मिलके अगर साथ चलेंगे तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया कुलसुम आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महानूर। अच्छा महानूर, एज अ फीमेल आप क्या महसूस करती हैं वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में? आपको ब्रीफिंग दी गई तो वुमेन सेफ्टी ऐप आपके लिए कितना कारामद या मुफीद साबित होगा, क्या महसूस करती हैं? ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है। आज मतलब पिछले से हम लोग हॉस्टलाइज होते हैं, हम लोग उबर वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है कि आपको पता है कि आप उबर पर ट्रेवल करें तो भी आप सेफ़ हो। लाइक आपको उबर ड्राइवर हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते थे, लेकिन अब आप कंपैरेटिवली सेफ़ फील करते हो कि आप अपने जो रीसेंट रिलेटिव्स हैं आपने उनको नंबर दिया हुआ होता है, जिनसे बताया गया था कि वी कैन हैव देयर नंबर्स, तो आप उनको बता सकते हो, तो वो हमें गाइड कर, हमें पता होता है कि कोई ना कोई है जो हमें देख रहा है। और यहाँ पे आने के बाद जो मतलब पता चला कि एक एवरीवन इज अराउंड, लाइक हमें देख रहे हैं हर कोई, हमें हर कोई हमें देख रहा है। वी आर प्रोटेक्टेड इन आर सिटी एंड वी डोंट नीड टू बी वर्ड अबाउट स्टफ लाइक मतलब हम हरास होंगे या कुछ भी ऐसा वैसा होगा हमारे साथ। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ईशरानी के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? दिलावर अब्बास। अच्छा दिलावर, ड्राइविंग करते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मैम मुझे मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स हो गया। कभी चलान हुआ? जी मैम 2-3 बार हुआ। अच्छा चलानिंग से पहले, क्योंकि ई चलान का जो डिपार्टमेंट है, जो यूनिट, आपको भी इसकी ब्रीफिंग दी गई है, ई चलानिंग से पहले क्या सूरत हाल आप महसूस करते थे, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल थी, और अब ई चलानिंग के बाद क्या फ़ायदा हुआ? मैम ई चलान होने से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं। ठीक है, इससे जो है जो कलेक्शन हुई है फाइन की वो फेयर है। ठीक है, लेकिन ई चलान से पहले जो है कोई फेयर, एक फ़ाइन जो होता था सिस्टमेटिक वे में जो है वो कलेक्ट नहीं होता था। ई चलान से जो है एक फ़ाइन जो पब्लिक की तरफ से जो है होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट किया जाता है, और उसका एक बेसिकली उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास कि हमने ये चलान्स किए हैं और इसका ये है, और वो जो होते हैं पैसे वो गवर्नमेंट के फाइनेंस में जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा दिलावर, आप इतने अरसे से, इतने सालों से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर अपनी लेन चेंज करनी हो सिग्नल से कितने डिस्टेंस पे आप चेंज कर सकते हैं? अच्छा दिलावर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर हमने सिग्नल से पहले अपनी लेन चेंज करनी हो तो कितने डिस्टेंस पे आप चेंज कर सकते हैं? मैम अभी जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं उसमें बताया गया जो कंटिन्यूस लेन से पहले अप्रॉक्स 25 मीटर्स के डिस्टेंस से पहले जो है हमने जो है रुक जाना है, और उससे पहले जो है हम लेन चेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अच्छा अब्दुल वहाब, आपको ड्राइविंग करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन कोई 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी ई चलान को एक्सपीरियंस किया? ई चलान मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन काफ़ी फ्रेंड्स पे मेरे हुआ है ई चलान, तो मुझे आइडिया है कि मतलब ई चलान क्या होता है। अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो आप क्या महसूस करते हैं ई चलानिंग से पहले का जो हमारा ट्रैफिक जो निज़ाम चल रहा था नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, और ई चलानिंग के बाद क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस आया? अच्छा काफ़ी मतलब मैंने तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, नोट किए हैं कि वाकई चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है। वो इन द सेंस इस तरह के काफ़ी मतलब ये होता है ना पहले ई चालान से पहले कि काफ़ी जो लोग हमारे एक तो पाकिस्तान में सारे लोग जल्दी में होते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन सारे लोग जल्दी में होते हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं अगर एक वार्डन किसी एक बंदे को पकड़ के बिजी है तो दूसरा बंदा जल्दी से गुजर जाएगा कि वो बिजी है मुझे नहीं पकड़ पाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें हैं, उनको पता कि वार्डन हमने हमें नहीं पकड़ेगा तो चालान नहीं होगा। सही। तो ई चालान से ये चीज़ हमें देखने को मिली है और फ़ायदा मिला इस चीज़ से कि ई चालान में कोई बंदा जाए उसकी फुटेज लेके कि इसने ऐसी ऐसी वायलेशन यहाँ पर की है, उनको घरों तक जो है उनको जो एड्रेस हैं उन घरों तक वो चालान पहुँच जाते हैं और उनको पे करने पड़ते हैं। अच्छा आप अगर लोगों को कोई मैसेज, हम आपसे ये कहें कि आपने जो हमारे रोड यूज़र्स हैं उनको आपने कोई मैसेज देना है, तो आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा काफ़ी जो रोड यूज़र्स होते हैं वो ये कि एक फियर का एलिमेंट होता है कहीं पे भी ना, कि काफ़ी लोग आते हैं बदतमीज़ी भी करते हैं कि मैंने मतलब चालान नहीं देना, या मैं फलां का बेटा हूँ, या कोई भी है वो पॉलिटिकल फिगर होते हैं, उनके कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो मतलब उनको ऐसे ही मतलब हरास करते हैं या कुछ भी ऐसा ही, तो वो मतलब उनके अंदर एक फियर होता है कि इस बहस से ना, इस बहस में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग इनको जाने दें। ठीक है, तो बाकी मतलब रश कश ये वगैरह जमाना हो तो उस बहस से निकलने के लिए कोई लोग ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन वो ये है कि हम सिस्टम की तरफ से उनको इतना इनकरेज करें कि कोई भी हो
आपने घबराना नहीं है, सिस्टम आपके साथ है और आपने जो है उनको जैसे आप नॉर्मल कॉमन पीपल को डील करते हो वैसे आप उनको डील करो, मजीद जो है वो सिस्टम उनसे डील करें। हमारे साथ यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद हैं जिसी यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, आइए जानते हैं कि इनके क्या ख्याल हैं और ये क्या कहना चाहेंगे। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयशा फारूक। तो डॉक्टर आयशा, आप क्योंकि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड भी कर रही हैं, हेड कर रही हैं, स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? यंग ब्लड को आपने यहाँ भी देखा कि वो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, यंग ब्लड को आप साथ भी लेके मूव कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यहाँ पे ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो दे शुड अबाइड बाय द लॉ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड द टाइप ऑफ चेंज वी नीड टू ब्रिंग अबाउट इज़ द चेंज फ्रॉम विद इन आवर सेल्व्स। Cameras are very good for the deterrence and for the outer check. These measures are essential in any society. So the laws can be followed and should be followed. But our main focus should not be on these cameras. So we should not be finding the way ki yahan pe camera nahi hai, so here I can violate. So we should be responsible and law-abiding members of the society. मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है। इसके अलावा एक general awareness session इनका जो हुआ है, it was wonderful, क्योंकि उसमें ये जो बताया गया है कि कौन से five main types of violations हैं जिनके चालान दिए जाते हैं। We have young drivers with ourselves among the faculty members. कल को इन students ने भी अपने licenses बनवाने हैं और they're going to be independent drivers. तो और तमाम जो बाकी इनके साथ एसोसिएटेड यूनिट्स हैं वो कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीइंग एम्बेसडर्स ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सेटअप वी हैव जस्ट सीन, कि इसको हम आगे डिसेमिनेट करें और आगे पहुँचाएँ। एंड वी शुड नो दिस थिंग कि अब हमारे पास एक ऐसा सेटअप है जो कि हमारे साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। अच्छा हारिस साहब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई सजेशंस देने हैं आपने, सारे आपने आपको विजिट भी करवाया गया, आपको ब्रीफिंग भी दी गई, क्या सजेशंस देंगे आप बेहतरी के हवाले से? वेल जी, मेरी सजेशन, ऑल दो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा है, सजेशन अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारी इस इदारे और लोगों के दरमियान एक बड़ा गैप आया जाता है कम्युनिकेशन का, और हमें ज़रूरत है कि उस कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी, जैसे आज मैं भी आया हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी कि एक्चुअली ये प्रोसेसिंग इस तरीके से हो रही है। और टू बी ऑनेस्ट, आज के विज़िट के बाद मुझे पता चला है कि हमारा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो कितना अच्छा और बेहतरीन काम कर रहा है। तो हमें थ्रू वेरियस चैनल्स लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से काम हो।